आज का हमारा टॉपिक है सिग्नल्स। व्हाट आर सिग्नल्स? सिग्नल्स क्या होते हैं? सिग्नल्स दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव्स होती हैं, जो कि हमारे डाटा को रिप्रेजेंट करती हैं। और इन सिग्नल्स की मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह अपना डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। सो लेट्स रीड आउट द बुक। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव्स रिप्रेजेंटिंग डेटा आर कॉल्ड सिग्नल्स। दीज are used to transfer data from one device to another device through a communication medium. क्या आपने जो भी data transfer या receive करना है वो किस form में करना है? Signals की form में करते हैं। Data communication signals can be in analog or digital form. Means कि signals दो form के अंदर exist करते हैं। The first one is analog and the second one is digital. एनालॉग के अंदर आपकी वेव फॉर्म होती है, कंटिन्यूस फॉर्म होती है, और डिजिटल के अंदर आपकी 0101 की डिस्क्रीट फॉर्म होती है। लेट्स रीड द डेफिनेशन रिटन इन बुक। एनालॉग सिग्नल्स। द एनालॉग डेटा सिग्नल्स आर कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, जिस तरह आपने डायग्राम भी देखी। This wave is called a carrier wave. आप इसको carrier wave भी कह सकते हैं। Two characteristics of analog carrier waves that can be altered are altered means changed are frequency and amplitude. दो characteristics जो analog wave के हैं उन्हें आप change कर सकते हैं, कौन कौन से हैं? Frequency and amplitude. Let's discuss the frequency first. Frequency. Frequency is the number of times a wave repeats during a specific time interval. Frequency दरअसल हमें ये measure बताती है कि कितनी दफा उस wave ने repeat किया है. How many times the wave has repeated itself in a specific time interval. Means एक second में वो wave कितनी दफा repeat हुई है, या 1 millisecond में वो वेव कितनी दफा रिपीट हुई है। तो किसी भी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में अगर हम ये काउंट करें कि वो उस वेव की रिपीटेशन कितनी हुई है, तो डेट इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड इज द हाइट ऑफ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एम्पलीट्यूड क्या होती है? वेव की हाइट होती है, कि एक वेव की हाइट कितनी है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल बाई शोइंग यू आर डायग्राम। इस डायग्राम को देखते हुए आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सी वेव की फ्रीक्वेंसी हाई है और कौन सी वेव की फ्रीक्वेंसी लो है। सो द फर्स्ट सिग्नल, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लो है। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ रिपीटेड वेव्स 3 times है। द सेकेंड वेव हैज हाई फ्रीक्वेंसी बिकॉज द काउंट ऑफ repetition of number of waves is more. So low frequency, high frequency. Let's come to this example, amplitude. तो पहली जो wave है उसका जो amplitude है वो कम है या ज्यादा है? Amplitude दरअसल क्या होती है? Height of the wave. Basically height of the wave जो पहली wave की है वो कम है, इस वजह से इसकी low amplitude है। Next example की जो height of the wave है वो ज्यादा है, इस वजह से इसके ग्रेटर एप्लीट्यूड है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स मैंने आपको पहले ही बताया कि डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, 0101 की फॉर्म में होते हैं। अ डिजिटल सिग्नल यूजेस ऑन ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस। ऑन ऑफ मींस 0 and 1, ट्रू एंड फॉल्स। इन डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस मीन्स डिस्क्रीट, अलहदा अलहदा से, टुकड़ों में। डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट फॉर्म एक ही बात है। मोस्ट कंप्यूटर्स आर डिजिटल इन नेचर, रिप्रेजेंट डाटा एज पैटर्न्स ऑफ बाइनरी। कि अक्सर कंप्यूटर डिजिटल होते हैं और वो डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में। बहुत ही सिंपल सी बात। नेक्स्ट, आपने इस टॉपिक में जो भी आज हमने पढ़ा है इसमें याद क्या चीज़ें करनी है? याद चीजें करने के लिए आपने सिग्नल की डेफिनेशन याद करनी है, यहां से लेकर यहां तक, फर्स्ट 3 lines। और आपने नीचे बता देना है देर आर 2 types ऑफ सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स। ओनली नेम बताने हैं अगर आपके पास सिर्फ सिग्नल की डेफिनेशन पूछी जाए।
नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सिग्नल, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एनालॉग सिग्नल, तो आपने डेफिनेशन बतानी है और इनके दो करेक्टरिस्टिक्स को भी डिफाइन करना है. देन डिजिटल सिग्नल्स, इसकी भी आपने ये डेफिनेशन लिख देनी है. इन दोनों डेफिनेशंस के साथ आपने ये डायग्राम रिस्पेक्टिवली जरूर बनानी है. दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. सी यू इन द नेक्स्ट वन.